हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज किस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 10 पार्ट बी के कुछ बचे हुए टॉपिक। सो इस लेक्चर में इसको नाम दे देते हैं टू। पहला वाला मैंने अपलोड कर दिया है। तो एक टॉपिक है आपका प्रीवलेंस, यानी कि व्यापकता का मतलब क्या है डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे इसका मतलब है स्टूडेंट कि स्टैटिकल फॉर्म में जो कंसेप्ट हम स्टैटिकल फॉर्म में डिस्कस करते हैं, यानी कि सांख्यिकी रूप से जब हम ये देखते हैं कि कितना जो पॉपुलेशन है, कितनी जो जनसंख्या है, उसमें जो डिसेबिलिटी है उसका परसेंटेज कितना। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, सपोज उसमें 2% लोग हैं, पूरी पॉपुलेशन में, पूरी जनसंख्या में 2% लोग हैं वो कैसे हैं, डिसेबल है, हैंडीकैप्ड है, इंपेयरमेंट से रिलेटेड है, तो इसे हम बोलेंगे प्रिवलेंस। तो इसे या तो परसेंटेज में बताते हैं या रेशियो में बताते हैं कि कितने परसेंटेज लोग डिसेबल हैं, कितने प्रतिशत लोग जो है उनका क्या परसेंटेज है, क्या रेशियो है डिसेबिलिटी में ओवरऑल पॉपुलेशन में, तो इसको हम बोलते हैं प्रिवलेंस या व्यापकता। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि किस तरह से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डिसेबिलिटी को डिफाइन किया गया, यानी कि भारतीय रूप में अगर हम देखते हैं कि भारत में कैसे डिसेबिलिटी को अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। सो बेसिकली ये वाला जो लेक्चर है हम डिस्कस करेंगे टाइप्स के ऊपर। कई तरह के टाइप्स हैं, पर एक जनरल अगर टाइप की बात करूं, बहुत ही जनरल में बात करूं, तो आप किसको डिसेबल मानते हैं? तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को आईसाइड का प्रॉब्लम होता है, उनको लो विजन होता है, तो इस तरह का डिसेबिलिटी कौन सी कहलाती है? विजुअल, यानी कि देखने में प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होता है, तो हियरिंग का प्रॉब्लम होता है। किसी को विजुअल प्रॉब्लम होता है, किसी को सुनाई नहीं देता है, तो वो भी क्या है? डिसेबिलिटी है। ठीक है, किसी को लिप्रोसी का प्रॉब्लम है, कुष्ठ रोग, तो वो भी एक इसी में आता है, स्किन डिसीज है, वो कोई ऐसा काम नहीं कर पा रहा है। या किसी को एक्टिविटी में प्रॉब्लम है, चलने फिरने में प्रॉब्लम है, किसी को फिजिकल रूप से कोई प्रॉब्लम है, किसी को मेंटल रूप से कोई प्रॉब्लम है, यानी मानसिक रूप से। तो ये जो सारे टाइप है, ये जनरल जब हम बात करते हैं, तो ये जनरली जब हम देखें तो इसको हम सभी लोगों को, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिसेबल बोलते हैं। अब इस डिसेबिलिटी को आपके सिलेबस में बताया गया है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करने के लिए बोला गया है। तो वो 3 पार्ट कौन कौन से? तो उन 3 पार्ट्स को हम जरा थोड़ा डिस्कस करते हैं। नंबर पहला है इंटेलेक्चुअल रूप से, बौद्धिक रूप से विकलांग, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, शारीरिक रूप से विकलांग, और एक यहां पे इसके लिए शब्द आया है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है बहुलता से, और इसके लिए एक अच्छा शब्द है इंग्लिश में मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो बेसिकली ये एक क्लासिफिकेशन है डिसेबिलिटी का, वो सारे लोग जो बौद्धिक रूप से, यानी कि जिन सभी को मेंटल प्रॉब्लम है, मानसिक रूप से जो विकलांग है, वो सभी इंटेलेक्चुअल क्लासिफिकेशन में आते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को हेरिडिटी, यानी कि माता पिता से शुरुआत से ही बाई बर्थ वो मानसिक रूप से विकलांग है, तो उसको हेरिडिटी से रिलेटेड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है एनवायरमेंट से, यानी कि जो एक्वायर्ड होता है वातावरण से, कोई कारण से बाद में कोई बच्चे में प्रॉब्लम आ जाती है, मानसिक विकार आ जाता है, मेंटल प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये सारे टाइप किस में रखे जाते हैं? इंटेलेक्चुअल में। दूसरा है फिजिकल, यानी कि शारीरिक रूप से जब कोई भी समस्या हो, ठीक है, तो वो किस में आती है? फिजिकल में। और मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब है कि, मल्टीपल का मतलब क्या है कि अगर एक या दो से अधिक तरह की जब डिसेबिलिटी होती है, सपोज कोई बच्चा को चलने में भी प्रॉब्लम है और मानसिक रूप से भी प्रॉब्लम है, तो वो किस में आएगा? मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि उसे दो या दो से अधिक तरह की जब प्रॉब्लम होती है तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जनरल क्लासिफिकेशन है जो आपके सिलेबस में दिया है। अब हम ये देखेंगे कि जो
अलग अलग तरह का है, जैसे मेंटल है, इंटेलेक्चुअल है तो ये कितने टाइप का है, फिजिकल है तो कितने टाइप का है, और मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो वो कितने टाइप की है। तो अब इनको हम डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे। सो गाइस, पहला टाइप है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि बौद्धिक या मानसिक रूप से कौन लोग विकलांग होते हैं। तो अगर हम बात करें मेंटल एज की, यानी कि मानसिक आयु जो होती है, अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु 80 या इससे कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो मानसिक रूप से कैसा है, डिसेबल है। इंटेलेक्चुअल रूप से वो डिसेबल बच्चा है, बौद्धिक या मानसिक रूप से वो विकलांग है। अगर हम पूरे विश्व में जनगणना करते हैं और उस जनगणना में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को देखते हैं तो ये देखा जा रहा है पूरे वर्ल्ड में प्रति 1000 बच्चों पे, प्रति 1000 लोगों में से 30 लोग कैसे होते हैं, मेंटल डिसेबल होते हैं। यानी कि अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में से 30 लोग कैसे हैं, मेंटली रूप से डिसेबल हैं। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है, अगर ये रूरल एरिया में देखा जाए और अर्बन एरिया में देखा जाए, यानी कि ग्रामीण स्तर पे देखा जाए और शहरी स्तर पे देखा जाए, तो जहां ग्रामीण स्तर पर 3% होता है, वहीं अर्बन पे ये 0.9% होता है। यानी कि शहरों में मानसिक रूप से विकलांग बच्चे कम पाए जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 0 से 14 वर्ष के जो बच्चों का ये सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे का जो रिपोर्ट है, तो इसका यही आंकड़ा सामने आया कि शहरी क्षेत्रों में विकलांगता का परसेंटेज ग्रामीण शहरों से कम होता है। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहलाती है। सीधी सी बात है कि मानसिक आयु का कम होना। वहीं अगर ये एजुकेशनल, आप एजुकेशन की फील्ड में देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या है, उनकी शैक्षिक जो उपलब्धि होती है, एजुकेशनल अचीवमेंट होते हैं, वो कम होते हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों से इनका एमए, मेंटल एज जो होता है, वो कम होता है अपनी उम्र के अकॉर्डिंग। तो इस तरह के बच्चे सभी किसमें आते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आते हैं। ठीक है, अब इसके क्या कारण होते हैं, क्यों होती है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मानसिक रूप से कोई बच्चा बीमार क्यों होता है। ठीक है, तो इसके कई सारे कारण हैं। तो इसका जो पहला कारण है वो होता है हमारा हेरिडिटी, यानी कि अगर वंशानुक्रम में, यानी कि पहले से पीढ़ियों में ये परेशानी चली आ रही है, किसी के पूरे परिवार में सारे लोग मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं, तो हेरिडिटी वंशानुक्रम होता है प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि जब जन्म के समय, बर्थ के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो या फिर होता है कि जब वो बच्चा एनवायरमेंट में, वातावरण में कोई समस्या है, उसके पालन पोषण में या कोई उसके साथ जीवन में कोई घटना घट गई है, तो या तो वातावरण की वजह से हो सकता है, या बाय बर्थ हो सकता है, या बिफोर बर्थ, जन्म से पहले गर्भावस्था में ही माता पिता ने कोई मेडिसिन, जो उसकी माँ है उसने कोई ऐसी मेडिसिन दवाई खा ली है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई बच्चा मानसिक रूप से विकलांग होता है। अब जो ये मानसिक विकलांगता है, इसको दूर करने का तरीका क्या होता है कि कैसे आप इसको खत्म करेंगे, तो इसमें किस तरह से इसको खत्म किया जा सकता है। तो इसको ख़त्म करने का तरीका यही है कि जब पहले से ही पता है कि हेरिडिटी में ऐसा है, तो उसको सही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, वातावरण में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको सही दवाइयाँ, काउंसलिंग के द्वारा, गाइडेंस के द्वारा, तो अलग अलग तरीकों से आप उसकी मेंटल डिसऑर्डर को कम कर सकते हैं। उसका सही इलाज और सही काउंसलिंग, यानी कि अगर उसको सही ट्रीटमेंट दिया जाए, सही तरीके से काउंसलिंग किया जाए, तो उसका मेंटल जो डिसेबिलिटी है उसको कम किया जा सकता है। इनकी जो एजुकेशन होती है, वो एजुकेशन कैसी होती है, इनके लिए अलग तरह के शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, इनको बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, इनको स्पेशल केयर, यानी कि बहुत प्यार और केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, इनको इस तरह की स्पेशल क्लासेस दी जा सकती हैं जिससे ये और बच्चों के बराबर में आ जाएं। साथ साथ इनके साथ बहुत सारे ऐसे काम किए जा सकते हैं, एक प्रॉपर काउंसलिंग की जा सकती है, अलग तरह की क्लासेस चलाई जा सकती हैं, अलग तरह के टूल्स जो होते हैं जिनसे ये इजीली सीख सकते हैं। तो इस तरह के काम करके आप इनके लिए, इनको भी मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, मुख्य धारा में लाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं, फिजिकली डिसेबिलिटी होती है टाइप 2, उसमें कौन कौन सा आता है, तो उनको आप थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी जो है, कोई अगर फिजिकली डिसेबल है, शारीरिक रूप से विकलांग है, तो उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है बाय बर्थ, यानी कि जन्म से ही बच्चे को
गर्भावस्था में नहीं, जब वो मां के एम्ब्रियो में है तभी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इंजरी होगी, जैसे माँ कोई लेडी है जिसके जो प्रेग्नेंट है जिसके बेबी होने वाला है वो गिर गई सपोज, उसको चोट लग गई, कोई इंजरी हो गई, तो बच्चे को भी क्षति हो जाती है, वो भी इंजर्ड हो जाएगा। तो इस तरह की बाई बर्थ होती है, या फिर नर्वस सिस्टम में कोई डिसऑर्डर है कि जो आपका ये नर्वस सिस्टम है पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम है जो आपकी बैकबोन है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो किस तरह की मानी जाएगी, जो जन्म के समय हो, यानी कि जब आप बच्चे का जन्म हुआ है तो वो इस प्रॉब्लम को लेकर पैदा हुआ है, तो ये बाई बर्थ हो सकती है या फिर एक्वायर्ड हो सकती है, अधिग्रहित हो सकती है। अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसके सपोज कोई हाथ नहीं रहे या उसका कोई पैर नहीं रहे या उसको किसी भी तरह को कोई प्रॉब्लम हो, तो एक्सीडेंट हो गया हो, दुर्घटना हो गई या कोई बीमारी हो गई हो, ठीक है, अगर ऐसा होता है कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से आपको बाद में चल के कान में सपोज कोई इन्फेक्शन हो गया, धीरे 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 बढ़ता गया और आपको सुनाई देना बंद हो गया जन्म के बाद, तो वो कैसी मानी जाएगी, एक्वायर्ड मानी जाएगी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये किसमें आती हैं, फिजिकली डिसेबल में। इससे बार बार क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं, इंजरी जब हो जाती है तो वो कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, इन्फेक्शन होते हैं तो वो कितने तरह के इन्फेक्शन होते हैं, बाई एक्सीडेंट में कितनी तरह की हानि हो सकती है, कौन कौन सी डिसीजेज होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो विकलांगता को लाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइप्स होते हैं जिनके जो ये बताते हैं कि ये जो डिसेबिलिटी है वो इसका बेस क्या है, ये है। तो यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन एक बनता है, एक तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी और एक जो डिसीजेज होती हैं, जो डिसीजेज हैं वो कौन कौन सी डिसीजेज हैं और जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कौन कौन सी हैं। तो ये सारे जो है वो किसमें आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड में आते हैं। तो हमने जो डिसेबिलिटी के टाइप देखा फिजिकल का, इसका मैं आपको चार्ट दे दूंगी कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेज दूंगी। अगला हम देखते हैं कि मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या होती है। मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू टाइप की डिसेबिलिटी को जब हम मिला देते हैं तो वो कैसी कैटेगरी में आती है, बहुल विकलांगता, या इसको बोलते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसका अलग अलग कारण हो सकता है, जैसे कोई बाई बर्थ किसी बच्चे को आईज में प्रॉब्लम था, उसको दिखाई नहीं देता था बाई बर्थ, जन्म से ही उसको आंखों में प्रॉब्लम था, आगे चल के उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ में भी चोट लग गया, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे, मल्टीपल डिसेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। अब इतनी सारे जो आपने टाइप पढ़े थे इनको दूर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए क्या टूल्स और क्या टेक्निक हो सकती है, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसमें इवेल्युएशन कैसे करते हैं, अगला टॉपिक है आपका, इसका इवेल्युएशन कैसे करोगे और इसको क्या तकनीक और उपकरण आप उपलब्ध कराएंगे, तो इसके लिए जो इवेल्युएशन किया जाता है, ठीक है, इसका जो इवेल्युएशन है वो किया जा सकता है, जैसे मूल्यांकन करना है तो आप टेस्ट ले सकते हैं, तो उनका जो लेवल है वो थोड़ा आसान रखा जा सकता है। दूसरा, आप इसको जांचने के लिए आपको सभी को पता है एक आप फॉर्मूला यूज करते हैं, मेंटल एज का जो फॉर्मूला है, ठीक है, मेंटल एज अपॉन CA इंटू 100 का जो फॉर्मूला है, इससे आप किसी की मेंटल एज निकाल सकते हैं कि ठीक है कि इस बच्चे को सपोज क्या प्रॉब्लम है, तो उसका आप क्या निकाल सकते हो, एजुकेशनल अचीवमेंट, बुद्धि लब्धि को हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो तरीका होता है इसके द्वारा आप इवेल्युएशन कर सकते हैं कि किसी बच्चे का जो मानसिक विकास है वो कितना हुआ है। इसके लिए एक ब्रांच है साइकोलॉजी का जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी का एक नैदानिक या एक क्लिनिकल प्रारूप है जिसके अंतर्गत आप डिसेबल बच्चों का इलाज कर सकते हैं। सो क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है। और भी कई सारे तरीके होते हैं, टेस्ट, कई सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे पता चल जाता है, ये थोड़ा सा क्लिनिकल हो जाएगा, जिसमें पता चल जाता है कि किस बच्चे को मेंटली क्या प्रॉब्लम है, तो उन टेस्ट के द्वारा आप जान सकते हैं। कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका यूज करके हम जान सकते हैं, तो वहां इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला है कि क्या टूल्स और क्या टेक्निक्स आप इनको दे सकते हैं जिससे इस समस्या का सॉल्यूशन किया जाए। तो बेसिकली ICT बेस्ड चीजें हो सकती हैं, कंप्यूटर हो सकता है ना, इस तरह के कुछ
कई सारे उपकरण आते हैं जो कानों में लगाए जाते हैं, जिससे उनको सुनाई देने लगता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं, ब्रेल लिपि का यूज कर सकते हैं, कई सारे नेविगेशन टेक्निक्स होती है, नेविगेशन को हिंदी में बोलते हैं, जैसे ऐसी प्रणाली जिससे उनको पता चल सके कि नेविगेशन, ऐसा वातावरण देना, ठीक है। तो नेविगेशन के उपकरण हम यूज कर सकते हैं, आईसीटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। विजुअल एड्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, जिनको उनसे पढ़ाई, छड़ी का यूज करके, है ना। तो ऐसे कई सारे तरीके होते हैं जो टूल्स और टेक्निक्स का यूज करके हम इन सारे लोगों को क्या कर सकते हैं, सारे और बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं। सपोज किसी को सुनाई नहीं दे सकता, दे रहा है, उसको हियरिंग मशीन लगा दिया तो वो सुन लेगा। कोई बच्चा चलने में अक्षम है तो उसको वो एक जो उसका जो चेयर आता है चलने के लिए, उस पे बैठ के वो स्कूल आ सकता है। तो इस तरह की टेक्निक्स और टूल का यूज करके हम उन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम से जोड़ सकते हैं। तो ये जो टाइपिंग की कई सारी आजकल मशीन आ गई हैं, जिससे वो बिना देखे ब्रेल लिपि के द्वारा टाइप करके अपनी चीजों को, आपने देखा होगा कई सारे बच्चे हैं जो आईएएस तक बन रहे हैं, जिनको दिखा, जो ब्लाइंड है। तो इसका मतलब है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अगर सही टेक्निक्स और सही टूल्स का यूज किया जाए, तो इस तरह के बच्चे भी आगे पढ़कर और मेन स्ट्रीम में जुड़ सकते हैं। सो बेसिकली ये था आपका पार्ट बी, ठीक है। अगला देखेंगे अगले उसमें कि पार्ट सी, कि इनको कैसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे पार्ट सी में। थैंक यू सो मच।